नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, गेस्ट राडा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं मौजूद हूँ अशोका गार्डन क्षेत्र में। जी आपको बता दें, यहाँ पर चहल पहल बढ़ी हुई है। धनतेरस का त्यौहार है आज, लोगों में कितनी उत्सुकता है, आइए लोगों से और व्यापारियों से आपकी बात करवाते हैं। अपना नाम बताइए। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी सुंदर दुकान सजी हुई है इनकी, सब माता जी और ये झालर वगैरह सभी कुछ बहुत सुंदर दुकान। आइए आपको इस तरफ रुक करवाते हैं। मैडम आप बताइए, थोड़ा सा बताओ, धनतेरस को बर्तन क्यों खरीदते हैं? धनतेरस के बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए। सगुन होता है धनतेरस का दिन। किस तरह के बर्तन लोग ज्यादा खरीदते हैं? तांबे पीतल के ज्यादा खरीदते हैं। तांबे और पीतल में कोई एक विशेष चीज जो लोग ढूंढते हुए आते हैं आपके दुकान पे कि मैडम वो चाहिए मुझे? तांबे का लोटा है, कलश लेते हैं तांबे का। तो कोरोना की वजह से कैसा है व्यापार? अभी तो चलता जा रहा है, आगे देखते कैसा है। है दो तीन बाकी है, उम्मीद बाकी है। देख पा रहे हैं मैं बर्तन की दुकान पर मौजूद हूँ और उनका कहना है कि तांबे का कलश खरीदने ज़्यादातर लोग आते हैं क्योंकि आज के दिन प्राचीन मान्यता है कि बर्तन तांबे के पीतल के खरीदना शुभ माना जाता है। आइए इस तरफ आपको रुक करवाते हैं। देख पा रहे हैं कितनी सुंदर दुकानें सजी हुई है और ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, दूर तक सारी झालरें हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। धनतेरस का माहौल तो पूरा मार्केट में बना हुआ, देखते हैं ग्राहकें कितनी है। मैडम कैसी क्या ग्राहकी आपको उम्मीद है? अब ग्राहक की बढ़ेगी शाम तक? आप हर साल यही दुकानें लगाती हैं? 15 साल हो गए। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल दिवाली के बाद कैसी लगती है? खाते दीपक खरीदते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, जानते हैं बेटा थोड़ा सा बताओगे हमको कैसी क्या ग्राफी हुई है? चल रहा है मार्केट, थोड़ा उठा है इन दो तीन दिनों में, बर्तन चल रहा है। ये था मार्केट का हाल। मैंने आपकी सब लोगों से बात कराई, सबका कहना है कि इक्का दुक्का ग्राहकी चल रही है, धीरे धीरे शाम तक उम्मीद है कि लोगों के आने की। धनतेरस का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ भोपाल में मनाया जा रहा है। मैं रश्मि जैन, ये ZN News कैमरामैन शरद के साथ भोपाल से।